हे तुम्हाला या वेळेला लोकसभेत दिसणार नाहीत, महाराष्ट्रातून म्हणतोय तुम्ही. हे चित्र स्पष्ट आहे आणि महाराष्ट्राच्या जनतेने ठरवलेलं आहे. आणि प्रतिष्ठेची लढाई आहे नारायण राणे विनायक राऊत. नारायण राणे यांच्या बाबतीत पराभवाचा चौकार मारला जाईल. 3 वेळा आम्ही त्यांचा पराभव केलेला आहे. अटकेच्या भीतीने ईडी सीबीआय भ्रष्टाचारा संदर्भातले खटले त्यांच्यावरचे, या संदर्भात जे घाबरून पळाले, त्याने अशा प्रकारची भाषा करण्याच्यावरती विश्वास कोण ठेवेल? चला थँक्यू. आज महाराष्ट्र में बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई चल रही है और लगभग सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार रही है, जिसमें बारामती शामिल है, कोंकण है, रायगढ़ है, माड़ा है, सोलापुर है. ये सभी सीटों पर वहां के जो सांसद है, जो 2019 में चुनकर आए थे, वो इस बार लोकसभा में नहीं जाएंगे. महा विकास आघाड़ी के लोग जीत कर आ रहे हैं. नहीं, क्या देखना है, जनता देख रही है ना. प्रधानमंत्री कितने झूठ बोल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री देख, अब जनता देख रही है. सभी भ्रष्टाचारी देश के एक साथ लेकर आप पार्टी बना रहे हो और चुनाव लड़ने जा रहे हो, यही आपकी नीति है. आप ना सच्चाई के साथ आपका रिश्ता है, ना प्रामाणिक है अपने विचारों से. आप 10 साल में अपनी जो जो घोषणाएं की थी, महंगाई हो, गरीबी हो, भ्रष्टाचार हो, आप कितनी इस प्रकार की घोषणा खरी करके दिखाई, मुझे बताइए. यूक्रेन रशिया काम करता पता नहीं किया, असं मुख्यमंत्री बघा, नरेंद्र मोदी यांनी युक्रेनचं युद्ध थांबवलं. ही जी अंधश्रद्धा पसरवलेली आहे भारतीय जनता पक्षानं, त्या संदर्भात आता मला असं वाटतं तुम्हाला जाऊन युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांची मुलाखत घ्यावी लागेल. धन्यवाद.